हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्टी फूडी। आज हम बनाएंगे बच्चों की रोटी का नाश्ता। हम कितने ही कम रोटियां क्यों ना बनाएं, घर में दो चार रोटियां बच ही जाती हैं। तो चलिए आज हम इसका नाश्ता बनाते हैं। इसके लिए हमने दो रोटी ली है, रोटी का रोल करेंगे और इसे कैंची से काट लेंगे लंबाई में। अब जब भी आपके घर में रोटियां बचेंगी आप फेंकोगे नहीं और इस तरह से नाश्ता बना लोगे। सभी के लच्छे खोल देंगे। हमने दोनों रोटियों को काट लिया है। दो चम्मच के करीब हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ इतना ही डालना है, दो चम्मच। तीन चम्मच कॉर्नफ्लावर डाल देंगे, मिला देंगे। बच्चों ही रोटी का नाश्ता बनाने के लिए हमने दो उबले हुए आलू लिए हैं। बस इसमें मसाले ऐड कर देंगे, सौंफ, जीरे, लाल मिर्च, गरम मसाला, अमचूर, स्वाद अनुसार नमक, प्याज, हरी मिर्च, सभी को मिला लेंगे। सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए आलू हमारे डो की फॉर्म में आ गए हैं। हाथ को धो लेंगे, हल्का सा ऑयल लगाएंगे हाथों पर, एक लोई लेंगे और इसे गोल टिक्की जैसा बना लेंगे। आप इसे टिक्की का भी शेप दे सकते हैं और रोल का भी शेप दे सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। एक टिक्की बन गई है, इसी तरह से हम दूसरी बना लेंगे। इसी तरह से हम सारी टिक्की बना लेंगे। हमने तीन चम्मच गेहूं का आटा लिया है, थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका घोल बना लेंगे पतला। फ्रेंड्स, यदि हमारी रेसिपी आपको पसंद आती है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। बस टिक्की को हम इस घोल में डिप करेंगे और रोटी चिपका देंगे। हल्के हल्के हाथों से हमें दबा देना है जिससे रोटी के लच्छे चिपक जाएं। दूसरी टिक्की को भी हम डिप करेंगे और इसके ऊपर भी रोटी चिपका देंगे। इसी तरह से हम सारी टिक्की बना लेंगे। वाल गर्म होने के लिए हमने पहले ही रख दिया था, बस इसमें टिक्की डाल देंगे, ऊपर से गरम ऑयल डाल देंगे। पलट देंगे, बस उलट पलट करके हमें इन्हें तल लेना है। ब्राउन सा कलर आ गया है, हम इसे निकाल लेते हैं। बच्चों ही रोटी का नाश्ता बनके तैयार है। रेसिपी पसंद आती है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।